Welcome and welcome back to my channel D Stylish. My name is Anushka and I'm back with my another new video. This video is going to be another episode of that series which I started. The name was Instagram Trending, that friends draw a face or eyeshadow for me. I asked my couple of friends, they given me a very creative eye look, so I just think you guys should not I share with you all guys. So yeah, there's going to be another episode of that series. So my friend Noor has given me this look and which I am carrying right now. I hope I completely matched her look. Thank you Noor for this look. Let's talk about this look. So you can see this is very cute, the pop of color look. I hope you enjoy this all. और अगर आपको भी ये बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है, so please keep on watching till the end. Now without knowing further, let's get started. सबसे पहले मैं ये गुड वाइब्स का टोनर यूज़ करूँगी, कुकुम्बर टोनर. उसके बाद फिर मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल लगाऊंगी एज अ मॉइस्चराइजर. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस गुड वाइब रोज हिप सीरम. अच्छे से मसाज कर लूँगी. उसके बाद फिर मैं NYBae का ये प्राइमर अप्लाई करूँगी अच्छे से. ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. उसके बाद फिर मैं वेट एंड वाइल्ड का ये कंसीलर अप्लाई करूँगी. इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक है और ये बहुत जल्दी ड्राई अप होता है और अच्छा एक कवरेज दे देता है. इसको फिर मैं बुकी ब्रश और फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से दोनों आईलेट्स पे. इसके बाद फिर मैं इसे सेट करूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस वेट एंड वाइल मेगा ग्लो कॉन्टोर एंड सेटिंग पैलेट. उसके बाद फिर मैं स्टिकी टेप और सेलो टेप मैं अपने आई एजेस पे अप्लाई कर दूँगी ताकि मेरा आई मेकअप एकदम डिफाइन रहे. उसके बाद फिर मैं ये फ्लफ़ी ब्रश में ये पिंक शेड ले रही हूँ मेरे पैलेट में से और अच्छे से ब्लेंड करूँगी और प्रेस करूँगी. और पिगमेंटेशन चाहिए था इसलिए फिर मैंने एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से कलर पुट किया. बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी विद द पिगमेंटेशन, सो आई एम टेकिंग दिस फ्लैट ब्रश एंड जस्ट डैबिंग ऑन माय आईलेट. सो इससे बहुत अच्छा पिगमेंट मिला और बहुत सेटिस्फैक्शन कलर और फिर इफेक्ट आया मेरे आई को. सेम फॉर अनादर आई एंड दिस. नाउ आफ्टर दैट आई एम टेकिंग दिस ब्लैक कलर इन माई फ्लफिश ब्रश एंड जस्ट पुटिंग द कलर ऑन माई एजेस एंड जस्ट ब्लेंडिंग नाइसली. जितना अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो उतना अच्छे से ब्लेंड करिए. ये कुछ इस तरह से दिखेगा. और फिर से मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से पिंक कलर को और प्लेस करूँगी ताकि कलर थोड़ा सा पॉपअप हो जाए. फिर मैं ये सेलो टेप और स्टिकी टेप को रिमूव कर दूँगी एंड आई एम अप्लाइंग दिस वेट एंड वाइल फाउंडेशन. फुल फेस पे एक इक्वल क्वान्टिटी में अप्लाई कर दूँगी और फिर कबूकी ब्रश से प्रॉपरली ब्लेंड कर दूँगी. यू कैन सी एकदम इतना फास्टली नहीं. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस NYBae कॉन्टोर स्टिक इन शेड कॉफ़ी एंड जस्ट अप्लाइंग ऑल ओवर माई फेस जहाँ मुझे मेरे फेस डेप्थ देना है. और उसके बाद फिर मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी सेम कबूकी ब्रश की हेल्प से. और नोज़ पे जो कॉन्टोर किया है मैं उसे अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी. आफ्टर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू सेट माई कॉन्टोर विद वेट एंड वाइल मेगा ग्लो कॉन्टोर पैलेट. और फिर कॉन्टोर जहाँ जहाँ हमने किया है वहाँ पर अच्छे से ब्रॉन्ज अप कर देंगे. एंड पैलेट के अदर साइड में जो सेटिंग पाउडर है उससे मैं फिर अपने अंडर आई पे, टिप ऑफ माई नोज एंड फिर ऑल ओवर फेस जहाँ पे मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना है मैं एक बार प्लेस कर दूंगी. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस ऑरेंज शेड फ्रॉम माई रिवॉल्यूशन पैलेट. और फिर पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं उसे अपने लोअर लाइन पे पुट करूँगी जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है. एंड आफ्टर दिस आई एम जस्ट अप्लाइंग वेरी थिन और एकदम नॉर्मल वाला विंग लाइनर. लुक को थोड़ा डिसेंट रखते हुए ये अच्छा लग रहा था. उसके बाद फिर मैं मेरे ब्राउज फिल कर दूँगी. मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन आई शेडो फ्रॉम माई आई शेडो पैलेट एंड जो लास्ट एजेस है उसके लिए मैं ब्लैक आई शेडो का यूज़ कर रही हूँ. उसके बाद फिर मैं ये सिवाना का ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ और उसमें से ये एकदम पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ, एकदम बेबी पिंक. और फिर मैं अच्छे से मेरे चिक्स पे, नोज पे, चिन पे अप्लाई कर दूँगी. एंड सेम उसी पैलेट में से मैं हाईलाइटिंग शेड भी यूज़ कर रही हूँ मेरे विंग ब्रश में. और फिर उसके बाद मैं अच्छे से हाईलाइट कर दूँगी. मुझे ज़्यादा लग रहा है कि मुझे हाईलाइट करना है. और इनर कॉर्नर को स्पेशली हाईलाइट करना मत भूलिएगा. एकदम स्मॉल ब्रश की हेल्प से अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए. फॉर माई लिप्स आई एम यूजिंग दिस स्ट्रीट वेयर लिपस्टिक इन शेड 21. नाउ आई एम यूजिंग दिस लैश कर्लर और अच्छे से मैं अपने दोनों लैशेस को कर्ल कर लूँगी. एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई अ फॉल्स लैशेस एंड मैं फटाक से अप्लाई करके आ जाती हूँ.
Now I just have to mix my lashes and coat my lower lines. So मैं अच्छे से मेरे lower line पे mascara apply कर दूँगी और एक ही coat मैं अपने lash line पे लगाऊँगी. And with this we done our makeover. Look, I hope you guys enjoy a lot. You know what you have to do, just subscribe my channel, give thumbs up, leave comment and share with your friends. We will meet on another new episode. Till then, stay tuned, take care yourself and I will meet you soon. Bye.